हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ एलोवेरा पौधे के 3 केयरिंग टिप्स के ऊपर। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखें, लास्ट का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो का, तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। आप लोगों के घर में एलोवेरा का पौधा तो ज़रूर होगा, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है, पूरा तक देखिएगा प्लीज़। तो हमारा जो 3 पॉइंट है उसमें से सबसे पहला है पानी कितना देना है एलोवेरा के पौधे के ऊपर, धूप कितनी चाहिए एलोवेरा पौधे के ऊपर, और एलोवेरा के टहनी को मोटा मतलब ग्रोइंग कैसे करें, उसके लिए कौन सा फर्टिलाइजर दे उसके ऊपर। तो पहला पॉइंट के बात करते हैं पानी। आप लोग अगर एलोवेरा पौधे को ज़्यादा पानी देंगे तो आप लोग देखिएगा कि एलोवेरा के जो टहनियाँ हैं उसमें पीले पीले कलर के जैसे हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं मेरे एलोवेरा का पौधा के ऊपर पीला पीला कलर हो गया है टहनियाँ। एलोवेरा के पौधे को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, एलोवेरा के पौधे को धूप बहुत पसंद है। आप लोग धूप में रखिए एलोवेरा के पौधे को, ज़्यादा से ज़्यादा पानी मत दीजिए। सब हफ्ते में 1 से 2 बार या 3 बार ही तक ही दीजिए एलोवेरा के पौधे के ऊपर पानी, ज़्यादा पानी मत दीजिए, वरना ये टहनियाँ जो है पीले पीले कलर के हो जाएंगे और बाद में सब सड़ जाएगा। उससे बचने के लिए आप पानी ज़रूरत पड़ने पर ही एलोवेरा पौधे पर दीजिए। दूसरा पॉइंट है, जब भी आप एलोवेरा के टहनी को तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद अगर आप इसको छाई में रखेंगे तो इसके टहनी के ऊपर जो है एक काला स्पॉट पड़ जाएगा, मतलब फंगस लग जाएगा। फंगस से क्या होगा, काला स्पॉट पड़ जाएगा और काला स्पॉट पूरे पौधे में फैल जाएगा। तो आप जब भी एलोवेरा पौधे के टहनी को तोड़ेंगे तब उस एलोवेरा पौधे को धूप में रखिए। धूप तब बहुत जरूरी है, वरना एलोवेरा के टहनी के ऊपर फंगस लग जाएगा। तो यह है दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, आप लोग एलोवेरा पौधे के टहनियाँ जो है वो बहुत मोटा और अच्छे से ग्रो कैसे हो, तो इसके लिए आप लोग कौन सा फर्टिलाइजर देंगे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ। और तीसरा जो लास्ट हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। आप लोग मेरे चैनल पर ऊपर ही वीडियो देख पाएंगे लिक्विड फर्टिलाइज़र का, जो है अंडे के छिलके, केले के छिलके और प्याज के छिलके के ऊपर, तो आप लोग वो वीडियो देखिएगा ज़रूर। मैंने उस वीडियो में दिखाया था लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है अंडे के छिलके, प्याज के छिलके और केले के छिलके के ऊपर। तो वो छिलके जब बच जाएंगे उस छिलके को आप फेंकिएगा मत, जब आपका लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार हो जाएगा तो उस छिलके को फेंकिएगा मत, उसको एक जगह पर रख दीजिए। रखने के बाद आप लोग एक हफ्ते के बाद वो फर्टिलाइजर तैयार हो जाएगा। फिर मैं आप लोग देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर एलोवेरा पौधे के हर तरफ गड्ढा खोद दिया है, थोड़ा थोड़ा करके 2 इंच तक गड्ढा खोद दिया है। अभी मैं वो जो फर्टिलाइजर है वो मैं चारों तरफ अच्छे से दे दूंगा, क्योंकि इस फर्टिलाइजर से केले के छिलके की फर्टिलाइजर, अंडा के छिलके की और प्याज के छिलके की फर्टिलाइजर बहुत अच्छा होता है। ये सब देने से आपका एलोवेरा का टहनियाँ मोटा और ग्रोइंग होगा, मतलब बहुत बड़ा होगा, अच्छा होगा। तो वो वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा, उससे आप लोगों को समझ आएगा। वो लिक्विड फर्टिलाइजर भी बहुत अच्छा है। मैंने पूरा फर्टिलाइजर हर तरफ दे दिया है, अभी जो मिट्टी मैंने इधर से निकाला था वो ऊपर ऊपर दे दूंगा। आप लोग भी घर पे करके देखिएगा, आप लोगों का बहुत फायदा होगा एलोवेरा पौधे के ऊपर। और जो जो मैंने 3 इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोगों को बताया था वो जरूर अप्लाई करना अपने एलोवेरा पौधे के ऊपर। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। मेरा नया चैनल है, नया वीडियो है, तो अभी थोड़ा थोड़ा बोलने में, वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है, तो मिलते हैं एक नया वीडियो के ऊपर आप लोगों के साथ।